नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं विकास कुमार। दोस्तों आज की हमारी स्टूडियो में हम बात करेंगे PUBG मोबाइल KR के बारे में। गाइस यदि आप PUBG मोबाइल KR खेलना चाहते हैं अपने आईफोन या आईपैड पे, वो भी लोवेस्ट पिंग पे बगैर किसी VPN के, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कम्प्लीट जरूर देखिएगा। गाइज मैं जब भी PUBG मोबाइल KR खेलता हूँ तो मेरा पिंग आता है 20 और 40 MS के बीच में, और मैं बगैर किसी VPN के खेल पाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना PUBG मोबाइल KR आपको जो है स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रूफ मिले कि मेरा पिंग कितना आता है। उसके बाद मैं शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे PUBG मोबाइल KR डाउनलोड करना है अपने आईफोन या आईपैड में। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए गाइज। ओके गाइज, लेट्स गो, चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट किया है अपनी आईपैड को, ठीक है, पीसी के साथ, ताकि मैं लाइव आप लोगों को बताऊँ। कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है बीच में, मैं लाइव आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो वे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने पबजी KR यहाँ पे जो है इंस्टॉल्ड है मेरी आईपैड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करके सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, और मैं ये भी दिखा देता हूँ कि देखिए कोई भी यहाँ पे आपको दिखाऊँ बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं है, ओनली पबजी मोबाइल यहाँ पे मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बगैर किसी VPN के हमारा लॉगिन होता है या नहीं, और कितना पिंग आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड करना गाइस सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है बगैर किसी VPN के गाइस, ठीक है। और यदि यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को दिखाऊं, तो आप देख ही सकते हैं मेरा पिंग है यहाँ पे गाइस 35 MS, और ये यहाँ पे 35 MS है। यदि मैं TDM खेलता हूँ तो TDM में मेरा 20 या 28 MS पिंग आता है, और मेरा रैंगल लिविक यानी क्लासिक मैचेज में जो है मेरा जो है 32 MS या 40 MS के करीब पिंग आता, तो काफ़ी अच्छा पिंग है खेलने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ पे कंप्लीट दिखा पाऊँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो पबजी KR डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऐप स्टोर में जाके अपना रीजन चेंज करना होगा। यदि आपका रीजन इंडिया है तो आपको वहाँ पे जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का रीजन करना होगा। तो रीजन कैसे चेंज करना वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपनी ऐप स्टोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐप स्टोर में यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे अपनी प्रोफाइल होती है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे आपका प्रोफाइल का नेम होगा, जैसे मेरा नेम है विकास कुमार, तो आपको अपनी प्रोफाइल के नेम पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे जो है यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, अपनी एप्पल आईडी का, वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देता हूँ। तो उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है गाइज, ठीक है। मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एप्पल की एक सिक्योरिटी है, जब हम स्क्रीन मिरर करते हैं तो ये यूज़र नेम पासवर्ड और पिन ऐसी चीज़ें जो है कास्ट नहीं करता स्क्रीन में साथ में, तो एक अच्छी सिक्योरिटी है एप्पल की। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अभी हमारे पे तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखने को, कंट्री और रीजन, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। ओके, तो यहाँ पे चेंज कंट्री रीजन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना गाइस। यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कोरिया रिपब्लिक ऑफ के नाम से मिलेगा आपको, के नाम से मिलेगा, तो आपको यहाँ पे आई के बाद के आता आई जे के, यहाँ पे मिल गया है कोरिया रिपब्लिक ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरिया रिपब्लिक ऑफ, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना गाइस, उसके बाद फिर से आपको एग्री पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन आ जाती है सबसे पहले जो पेमेंट मेथड पे, पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पे नन कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेम आप अपना जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट में यहाँ पे आपको कर देना है मेन स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शनल है द सेकंड जो स्ट्रीट ऑप्शन है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिटी है, अब सिटी आप यहाँ पे कौन सा डालोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सोल एक सिटी है साउथ ऑफ कोरिया के अंदर, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बता दूँ, SEOUL, सोल, सोल के नाम से सिटी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सेकंड जो है सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको वही यहाँ पे मिल जाएगा SEOUL, ठीक है, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिटी तो हमारे होगा, सेकंड है आपको यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड मैं आपको बता देता हूँ, वही पोस्टल कोड आप सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टल कोड यहाँ पे रहने वाला आपका 100, ठीक है। उसके बाद आपको डैश लगाना है बीच में 011, ये पोस्टल कोड साउथ ऑफ कोरिया का आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे सिटी में आप ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप मोबाइल नंबर क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 और 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ कोरिया का जो है एक कोड है, जैसे हमारा इंडिया का 9 है, तो यहाँ पे आपको 8 2 डालना है। तो आप कोई भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली। ओके,
तो यहाँ पे ये इतनी चीज़ें आपको डाल लेने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना गाइस। तो यहाँ पे हमारा रीजन जो है फाइनली चेंज हो चुका है। देखिए रीजन चेंज होते ही आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे कोरियन भाषा आ चुकी है, इसका मतलब है कि हमारा रीजन चेंज हो चुका है, हमारा रीजन जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो चुका है। अभी सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना हो ऊपर जाके पबजी, तो इस तरह से आप जो है पबजी के आर सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे अपने आईपैड या आईफोन में। बड़ा ही सिंपल वे है, कोई ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हम मेरे फेस कैम के ऊपर, तो यहाँ पे ये पबजी मोबाइल का लोगो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि कोरियन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगो देख सकते हैं प्लेयर बैटल ग्राउंड मोबाइल का। तो इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का पबजी के आर दिखेगा आपको, जो ओरिजिनल साउथ ऑफ कोरिया के अंदर है। इसको आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ तक हमने किसी वीपीएन का यूज़ नहीं किया गाइस, ठीक है, कोई वीपीएन का यूज़ नहीं किया। यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, अभी मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है अपना पबजी मोबाइल डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए कोई भी रिसेंट ऐप नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं कोई वीपीएन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बगैर किसी वीपीएन के हमारा लॉगिन होता है या नहीं। गाइस अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, अलाउ। गाइस यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली बगैर किसी वीपीएन के, और यहाँ पे ये देखिए 36 ms यहाँ पे हमें पिंग भी मिला है। तो हमें वीपीएन की ज़रूरत एक बार पड़ेगी जब हम हमारे मैप्स वगैरह डाउनलोड करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कोई भी मैप यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा रीजन इंडिया है, ठीक है, बगैर वीपीएन के हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बस इतना है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे में यहाँ से एक बार के लिए एग्जिट कर देता हूँ, हमारा लॉगिन तो हो गया है। एक बार के लिए यहाँ पे मैं 1 1 VPN का यूज़ करूँगा हमारे जो ग्राफिक्स सोर्स और मैप्स को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इस वीपीएन का आप यूज़ करके अपने ग्राफिक पैक और सभी मैप्स डाउनलोड आपको कर लेने हैं, उसके बाद आपको कभी भी वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो वीपीएन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया है एक बार के लिए, और देखिए अभी मैं आपको मैप्स भी इसका डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। बगैर वीपीएन के आप डाटा डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बाकी आप खेल पाओगे, लॉगिन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हमने वीपीएन लगाया है तो हमारा पिंग भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वीपीएन होता है ना जो गाइस पिंग को हाई कर देता है, और यदि हम बगैर वीपीएन खेलते हैं तो हमारा पिंग आएगा 20 ms, 28, 30 ms या 40 ms, ठीक है। लेकिन अब हमें खेलना नहीं है, हमें हमारे जो है रिसोर्सेज वगैरह जो है डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी ये देखिए यहाँ से मैं डाउनलोड पर करता हूँ, हमारे ये देखिए रिसोर्सेज यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए पॉज कर देता हूँ, और ये देखिए अभी मैं मैप भी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा इस मैप्स भी हमारे जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी मैप्स वगैरह को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आपको एक बार में अपने जो मैप्स चाहिए आपको वो डाउनलोड कर लेने हैं, जो जो आपको ग्राफिक पैक चाहिए वो सब डाउनलोड कर लेने हैं, उसके बाद आपको वीपीएन को उड़ा देना है। हमें वीपीएन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने ये मैप डाउनलोड किया, ठीक है, जो भी मैप डाउनलोड करना है आपको उसको डाउनलोड कर लेना है सिंपली। देखिए हमारे मैप्स डाउनलोड हो रहे हैं, बगैर वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी हमें सिर्फ डाउनलोड करने के लिए। तो ये डाउनलोड हो गया हमारा, ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ गेम को, इस तरह से एग्जिट कर देना है, और वीपीएन को हम यहाँ से बंद कर देते हैं डिजेबल। और डिजेबल ही नहीं, मैं वीपीएन को यहाँ से, ये देखिए वीपीएन को यहाँ पे रिमूव भी कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया मैंने परमानेंट वीपीएन को, मेरे मोबाइल में वीपीएन ही नहीं है अब। मैं फिर से चलाता हूँ, देखिए इतना लाइव प्रूफ आपको कोई नहीं देगा, कोई एडिटिंग नहीं है गाइज, कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं, बगैर वीपीएन के लॉगिन होगा बिल्कुल। ये देखिए कोई भी बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं, ओनली सिर्फ पबजी खुला है, ठीक है। और ये देखिए फटाक से लॉगिन भी हो गया, और अब मैं यदि दिखाऊँ आपको पिंग, ये देखिए कितना कम पिंग है, उस टाइम पे कितना पिंग दिखा रहा था गाइस इसको थोड़ी एक बार, 36 ms उस टाइम पे कितना था, 200 कुछ ms पिंग दिखा रहा था। तो ये यदि आप बगैर वीपीएन के खेलोगे तो पिंग इतना लोएस्ट आएगा, वीपीएन के साथ खेलोगे तो हाई पिंग आएगा। अभी मैं छोटा सा आपको एक बार TDM के अंदर जो है अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितना पिंग मेरे को देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। ओके यहाँ पे हमारी मैचिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले नहीं करके दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बस आप एक बार पिंग चेक कर लेना कितना पिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। मेरे को दिखता ही नहीं भैया ये, चलो एक किल तो कर दिया और पिंग आपने देख ही लिया गाइस। भैंस की आँख, अबे कहाँ है
भाई पिंग देखेगा 20 ms से ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे, हमें इजेक्ट यहाँ पे 20 ms पिंग देखने को गाइस मिल रहा है। दो मार दिए मैंने, ओके गाइस तो मैं यहाँ पे गेम प्ले कंप्लीट करूंगा तो यार काफी लंबा वीडियो होगा, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सभी पिंग्स आपको। ये देखिए एशिया के अंदर 37 ms और मिडल ईस्ट के अंदर हमें 65 ms यहाँ पे पिंग देखने को मिल रहा है, यूरोप के अंदर 188, यानी कि एशिया में सबसे कम ms यानी 40 ms से ऊपर नहीं जाता। ओके गाइस तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से आईफोन और आईपैड पे जो है पबजी मोबाइल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं बगैर किसी VPN के। यदि फिर भी आपका कोई भी डाउट रहे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की ट्राई करता हूँ। और गाइस यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दें, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और गाइस यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।